राजस्थान में नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। जैसे ये खबर लोगों के कान तक पहुंची, लोग चौंक गए कि हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। और उधर पीएम मोदी ने मानो जनता से कहा कि क्यों, हिला डाला ना। जी हाँ, एमपी और सीजी की तरह राजस्थान में भी नए चेहरे पर मुहर लगी है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो सांगनेर से पहली बार विधायक बनकर पहुंचे हैं। सवाल है कि भजन लाल शर्मा को सीएम क्यों बनाया गया। चलिए आपको चार बड़े कारण बताते हैं। कारण नंबर एक, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा है और लगातार एबीपी लाइव आपको ये बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा, एमपी में ओबीसी चेहरा, तो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री सवर्ण होगा और इस नाम पर मुहर लगी है। इससे फायदा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ये ताल ठोक कर कह सकेगी कि वो किसी समाज या जाति की पार्टी नहीं है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कारण नंबर दो की बात करें तो भजन लाल शर्मा का अनुभव। भजन लाल शर्मा पहली बार भले ही विधायक बने हो, लेकिन उनका काम करने का अनुभव लंबा है। भाजपा के संगठन में लगातार वो काम करते रहे हैं, प्रदेश महामंत्री का पद संभाल चुके हैं। पार्टी ने उन्हें सीएम बनाने को लेकर यह विचार किया कि अगर पार्टी में कहीं कोई इन फ्यूचर बगावत के सुर उठे भी तो भजन लाल शर्मा उसे टैकल कर लेंगे, क्योंकि संगठन को लेकर चलने वाले नेता हैं। इसीलिए भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। कारण नंबर तीन की बात करें तो संघ के करीबी हैं। एमपी सीजी में जिस तरह से दोनों मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं वो भी संघ के करीबी हैं, ठीक उसी तरह भजन लाल शर्मा भी जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भी संघ के करीबी हैं, और सीएम बनने के पीछे संघ का करीबी होना भी एक बड़ा कारण है। अगर चौथे बड़े कारण की बात करें तो बीजेपी के भरोसे पर वो खरा उतरे हैं। भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने सांगनेर से मैदान में उतारा था। ये वो सीट थी जहां से वसुंधरा के करीबी का टिकट काट कर उन्हें चुनाव लड़ाया गया। भजन लाल पर बाहरी होने का आरोप लगा, लेकिन फिर भी वो करीब 48,000 वोट चुनाव जीते और ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी, जबकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे। इससे बीजेपी आलाकमान प्रभावित हुआ और आज उन्हें इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई है। तो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इस नाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? भजन लाल शर्मा राजस्थान के विकास में क्या कुछ करेंगे और कितना सही और सटीक नाम का ऐलान किया है भाजपा ने, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।